नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आसुस कंपनी ने पिछले साल अपने दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया, जिसमें आपको आसुस जेनफोन मैक्स M2 और आसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने इससे पहले भी अपने कुछ स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था, लेकिन दोस्तों वे स्मार्टफोन्स मार्केट में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों आसुस कंपनी को इतना ज्यादा कोई जानता भी नहीं था और इनके स्मार्टफोन्स के अंदर आपको ज्यादा अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे और इनका मोबाइल आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इनके बारे में लोगों को कम जानकारी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कंपनी ने आसू जेनफोन मैक्स प्रो M2 और आसू जेनफोन मैक्स M2 को लॉन्च किया, तो दोस्तों यह कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई और इनके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छे फीचर्स भी दिए गए और इनके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने इन मोबाइलों की कीमत भी आपके बजट के अनुसार बिल्कुल सही रखी। लेकिन दोस्तों, अब लीक्स डिटेल के मुताबिक ऐसी जानकारी सामने आई है कि आसूस कंपनी अपने नए स्मार्टफोन आसूस जेनफोन 6 को लेकर आ रही है और कंपनी की लीक्स डिटेल के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली है कि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको ड्यूल स्लाइडर वाला डिजाइन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको ड्यूअल फ्रंट और ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस मोबाइल की बहुत सी लीक्स डिटेल सामने आई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मोबाइल की लीक्स डिटेल और इसकी स्पेसिफिकेशन आदि के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए आसूस कंपनी की, दोस्तों ऐसी जानकारी सामने आई है कि आसूस कंपनी स्लाइडर पैनल वाला अपना नया स्मार्टफोन आसूस जेनफोन 6 लेकर आ रही है। दोस्तों, इस मोबाइल का लुक और इसका डिजाइन भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इसके फीचर भी बहुत ही पावरफुल होंगे। दोस्तों, कंपनी इस मोबाइल के अंदर आपको 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देगी, लेकिन दोस्तों इसकी डिस्प्ले का साइज क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको शायद नोच डिस्प्ले नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको स्लाइडर पैनल दिया जाएगा। और अगर दोस्तों इस मोबाइल की रैम और स्टोरेज की बात की जाए, तो दोस्तों आसूस जेनफोन 6 मोबाइल के अंदर आपको 6 GB की रैम दी जा सकती है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए, तो दोस्तों कंपनी अब के बार इस मोबाइल के अंदर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देने वाली है। दोस्तों, लीक्स डिटेल के मुताबिक इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देगी और इस मोबाइल के अंदर आपको ग्राफिक के लिए एड्रीनो 640 का GPU देखने को मिल सकता है और यह मोबाइल दोस्तों एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। और कैमरा की बात की जाए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ड्यूअल फ्रंट और ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देगी, लेकिन दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कौन से कैमरे दिए जाएंगे इनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त कैमरे दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर बैटरी की बात की जाए, तो वैसे तो इस मोबाइल की बैटरी के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों आपको आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 मोबाइल के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई थी। दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर भी आपको 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह मोबाइल बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इस मोबाइल के जरिए कंपनी OnePlus 7, Realme X और Redmi X मोबाइल को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आपको यह मोबाइल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।